हॉरर कहानियां टीवी। खून का बदला। अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर सुमन और अखिल ने एक छोटा सा नया घर बनाया था, लेकिन उस घर में आने के बाद उसके साथ क्या हो सकता था इस बात का अंदाजा उन दोनों को था ही नहीं। अभी इस घर में आए हुए उन्हें 2 दिन भी नहीं हुए थे। एक शाम जब अखिल घर में नहीं था तो किचन में खाना बनाते वक्त सुमन को ऐसा लगा जैसे किचन की दीवार के पीछे से किसी के बात करने की आवाज आ रही थी। कौन हो सकता है यहाँ पर, इतना धीरे धीरे कौन बात कर रहा है? सुमन दीवार से कान लगाकर बात सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने की आवाज आती है। सुमन दरवाजे की तरफ दौड़ कर जाती है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले कोई आवाज उसके कान में धीरे से सुनाई पड़ती है। सुमन, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे घर में। सुमन जोर से चीखती है और दरवाजा नहीं खोलती। दरवाजे की बजने की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। सुमन लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ती है और झटके के साथ दरवाजा खोलकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अचानक से अखिल की आवाज सुनकर उसे होश आता है। सुमन, क्या हुआ, तुम इतने घबराई हुई क्यों हो? अखिल, वो लाइट चली गई और कोई है इस घर में। अखिल, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो किचन की दीवार के पीछे से किसी की आवाज आ रही थी। कैसी बात कर रही हो, तुमने खुद सारे लाइट के स्विच ऑफ किए हुए हैं। देखो, लाइट तो आ रही है। सुमन, तुमने घर में अंधेरा क्यों किया हुआ है और किसकी आवाज आ रही थी? चलो चलो, मैं जाकर चेक करता हूँ। नहीं अखिल, मैंने लाइट ऑफ नहीं की, और मैं क्यों लाइट ऑफ करूंगी? ये देखो, ध्यान से देखो, घर के सारे स्विच ऑफ हैं। तुम भी ना कमाल करती हो सुमन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये देखकर सुमन और भी ज्यादा डर जाती है कि सच में लाइट की सारे स्विच बंद थे। सुमन समझ नहीं पा रही थी कि ये सब किसने किया होगा। ठीक उसी वक्त अखिल किचन की तरफ जाता है और सुमन को ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने जैसे ही पलट कर देखा, एक साया उसके घर के दरवाजे से बाहर निकलता हुआ नजर आया। अखिल, अखिल यहाँ आओ, देखो कोई तो है, अभी अभी मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा है। सुमन, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे, मैंने किचन में भी जाकर देखा, पास वाले घर में जो लोग हैं ना, उनसे बात करने की आवाज आ रही है। एक काम करो, तुम जाकर आराम करो, मैं खाना खुद परोस कर खा लूंगा। ओके, तुम बेडरूम में जाओ, जाओ। नहीं अखिल, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, और अब इस घर में मैं एक दिन भी नहीं रहना चाहती। थोड़ी देर के बाद सुमन और अखिल दोनों ही बेडरूम में जाकर सो जाते हैं। डर की वजह से सुमन को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर वो गहरी नींद में सो जाती है। और सुबह जब सोकर उठती है तो उसने देखा कि अखिल ऑफिस के लिए तैयार हो गया था। अखिल, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे इस घर में अकेला छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकते। देखो सुमन, मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। कल तुम ऐसे ही डर गई थी, अब परेशान मत हो और मैं ब्रेकफास्ट बाहर कर लूंगा। ओके, जब तुम्हारी तबीयत ठीक लगे तो तुम खाना बनाकर खा लेना। और हाँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना भिजवा दूं। नहीं अखिल, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए खाना बना लूंगी, लेकिन मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। अभी मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, चलो गुड बाय। अखिल के जाने के बाद सुमन बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और शावर ऑन करती है। नहाते नहाते सुमन को एहसास होता है कि शावर से पानी की जगह खून गिर रहा था। उसने घबराकर सामने लगे मिरर में देखा और ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि वो पूरी तरह सर से पैर तक खून में भीग चुकी थी। सुमन भाग कर बाहर आती है। उसे अपने घर का पूरा फर्नीचर जला हुआ नजर आता है और उसके ठीक सामने खड़ी हुई थी एक औरत जिसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर लंबा सा घूंघट था और उसके शरीर से खून टपक रहा था। कौन हो तुम और क्या चाहती हो मुझसे? यहाँ क्यों आई हो तुम? मैं तुमसे तुम्हारा पति चाहती हूँ, मुझे अपना पति दे दो और मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन मेरा पति अखिल, मेरा मतलब तुम्हें मेरा पति क्यों चाहिए? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने नहीं,
हर सुहागन औरत मेरी दुश्मन है, और जब भी मेरी आंखों के सामने कोई औरत अपने पति के साथ नजर आती है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन लेकिन तुम ऐसा क्यों करती हो? और प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे और अखिल को जाने दो, हम दोनों हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता, एक बार जो इस जमीन के आसपास से गुजर जाता है उससे फिर हमेशा के लिए मेरे साथ इस जमीन के नीचे मेरी दुनिया में चलना पड़ता है, और तुमने इस जमीन के ऊपर अपना घर बनाकर अपनी दुनिया बसाने की कोशिश कर ली। अचानक से वो औरत सुमन को उसके बाल पकड़कर जमीन पर घसीटने लगती है। सुमन दर्द से जोर जोर से चीखती है, लेकिन उसकी आवाज उसके घर की दीवारों के अंदर दब कर रह जाती है। अब बाकी दूसरी औरतों की तरह मैं तुम्हें भी इस घर की दीवारों के नीचे दफन कर दूंगी, और तुम्हारे पति को हमेशा के लिए अपना पति बना लूंगी। जानती हो मेरी भी शादी हुई थी, लेकिन शादी के ठीक बाद मांग में सिंदूर भरकर मेरे पति ने गला घोट कर मेरी हत्या कर दी और इस जमीन के नीचे मुझे गाड़ दिया। बस तब से मेरी आत्मा यही भटक रही थी, मुझे भी सुहागन बनना है, मुझे भी पति चाहिए। छोड़ दो मुझे प्लीज, मुझे जाने दो। देखो तुम्हें पति चाहिए, तुम किसी और को अपना पति बना लो, मुझे और अखिल को जाने दो यहाँ से। लेकिन वो औरत सुमन को लेकर वहां से गायब हो जाती है। शाम को जब अखिल ऑफिस से लौट कर आता है, डोरबेल बजाता है, तभी मुस्कुराते हुए सुमन दरवाजा खोलती है। दरअसल सुमन के शरीर के अंदर अब उस औरत की आत्मा थी, लेकिन अखिल का चेहरा देखते ही सुमन के शरीर के अंदर एक हरकत होती है और वो अचानक से नाराज हो जाती है। क्या हुआ सुमन, आज तो ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत भी ठीक लग रही है आज तो। गुड। मुझे नहीं पता था कि तू आने वाला है यहाँ, वरना तो मैं तेरी मौत का सारा इंतजाम करके रखती। क्या हुआ, अब मेरी बात का जवाब नहीं दोगी क्या? नाराज हो मुझसे किसी बात पर? ऐसी तो कोई बात नहीं है, जाओ डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा फेवरेट खाना लगा दिया है, जाकर खा लो। हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं है। थैंक यू यार, मैं जल्दी से जाकर खाना खाता हूँ। ओके। अखिल जैसे ही खाने की कटोरे का ढक्कन हटाता है तो वो हैरान रह जाता है कि वहां पर सुमन का कटा हुआ हाथ था। उसमें पहनी हुई चूड़ियों से वो सुमन के हाथ को पहचान जाता है। खाने की जगह सुमन के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े काट कर उस आत्मा ने अखिल के सामने परोस दिए थे। अखिल घबरा कर वहां से भागने लगता है, तभी सुमन के शरीर में मौजूद वो आत्मा अपने असली रूप में आकर अखिल के सामने खड़ी हो जाती है। कौन कौन हो तुम, और क्या किया तुमने मेरी पत्नी के साथ? इसका मतलब वो ठीक कहती थी कि इस घर में कुछ गलत है। कहाँ है मेरी सुमन? तुम्हारी सुमन के मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके उसका खाना बना दिया, और उसकी आत्मा को मैंने इस घर की जमीन के नीचे दफन कर दिया है। वो कैद हो गई है यहाँ हमेशा के लिए। तुम भी उसके पास जाना चाहते हो? मगर क्यों, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी और मेरी पत्नी? पहले तो मैंने तेरी पत्नी को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि मैं तुझे अपना पति बनाना चाहती थी। मेरी आत्मा जो पूरे एक जन्म से किसी से शादी करने के लिए तड़प रही है, उसकी हसरत पूरी करना चाहती थी मैं, और इसलिए मैंने तेरी पत्नी का रूप लेकर तेरे साथ रहने के बारे में सोचा। लेकिन जानता है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन क्यों? देखो देखो, तुमने सुमन के साथ जो भी किया, मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज। अखिल भागने लगता है, लेकिन घर का दरवाजा अब लॉक हो चुका था। अब तो भाग कर नहीं जा सकता, मेरे हाथ तेरे खून से रंगने के लिए बेचैन हो रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है, अब उसकी प्यास तेरे खून से ही बुझेगी। अरे लेकिन क्यों, तुम्हारी आखिर मुझसे दुश्मनी क्या है? आत्मा अखिल की बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने लंबे नाखून उसके गले में गड़ाकर उसके शरीर को खा जाती है, और उसके बाद जोर से हंसते हुए कहती है
तेरा शरीर भले ही अखिल का शरीर है, लेकिन तेरे अंदर मेरे पिछले जन्म के उसी पति की आत्मा थी जिसने शादी से एक रात पहले गला दबाकर मेरी हत्या की।